वफात होना बहुत बड़ा आसान है। ये जो आपने हालत बयान की, मैंने भी इशारा किया, यही तो हर शोबे में हमारा हाल है ना, कि बस ये कहते हैं कि सिर्फ सजदा कर लें तो अल्लाह को भी मना लें। वो शायर ने बात अच्छी की है, ज़नहार अज़ा कौम ना बाशी के फरे बंद, खुदा रा बस जूद दे और नबी रा बद रू दे। उन लोगों में से ना बन जो ये चलाकी करते हैं कि अल्लाह को सजदे से धोखा दे लें और रसूल्ला को दरूद से धोखा दे, ये ना कर, वो नहीं धोखा खाएंगे, तेरे मुँह पर पड़ेगी। ज़िंदगी पूरी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारनी चाहिए। तो जिनका काम था होना तो यही चाहिए था, सारे काम छोड़कर बेचारे की खबर लेते। अगर ऐसी कोताही हुई है तो जो हो गया कि मौत आई, इसको तो आप समझें ये अल्लाह की तरफ से होना ही था, मगर इनकी कोताही इससे जो है माफ़ नहीं हो सकती, ये मुजरम ही है, कसूरवार, इनका गिला आप करें तो करने का हक है। तकदीर को बहाना बनाए जी, आपके भाई का मरना लिखा था इसलिए हमने फाइल नहीं देखी, ये कोई बहाना नहीं। इस तरह हर मुजरम जान छुड़ा सकता, जो हमारे करने का काम है वो हमें ही करना चाहिए, अगर नहीं हम करते कसूरवार है। उसके बाद भी जो नतीजा निकलता उसको आप अल्लाह की तरफ से समझें। सेटिस्फाइड था, उसको उनके दिल में कोई ऐसा ना रहे जिसकी, हाँ, जो करना चाहिए था वो डॉक्टर साहब ने कर लिया।